हेलो गाइस, आज हम लोग करेंगे क्रिस्टल इफेक्ट। तो देखते हैं क्रिस्टल इफेक्ट हम लोग फोटोशॉप में कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कोई इमेज ओपन कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ इमेज ओपन की, अनलॉक करेंगे इमेज को और मैंने यहाँ से लिया है एलिप्टिका मार्कर टूल, शिफ्ट प्रेस किया, क्लिक एंड ड्रैग, नई लेयर मैंने यहाँ पे ऐड की, कलर फिल कर लेंगे, ऑल्ट बैक स्पेस कंट्रोल डी, इसको हमने यहाँ पे रखा। लेयर जीरो को हम लोग कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल जी, इसको हम लोग इसके ऊपर रखेंगे। तो गाइस हम लोग क्या करेंगे, लेयर जीरो कॉपी पे हम लोग जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ से हमें फिल्टर पे जाना है, फिल्टर पे डिस्ट्रक्ट पे जाना है, यहाँ से मुझे इस पे राइज करना है 100% ठीक है यहाँ पे, और मोड आपको नॉर्मल ही रखना है, इसको हमें ओके करना है। ऐसा कुछ आपका इफेक्ट आया, इसके बाद हमें कंट्रोल टी करना है। कंट्रोल टी करके अगर आपको यहाँ अरेंज करना है तो आप अरेंज कर सकते हो। सपोज अगर हम यहाँ पे अरेंज हो तो ऐसा कुछ हमें अरेंज नहीं हो पाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे इक्लिप्स में जाके यहाँ पे क्लिपिंग मास्क करना पड़ेगा। ऐसा कुछ कंट्रोल टी करके अब आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हो। कितना आपको अरेंज करना है, कैसे आपको अरेंज करना है, अनलॉक में यहाँ पे कर दूंगी, हल्का सा मैं स्ट्रेच कर दूंगी, कितना आपको स्ट्रेच करना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे स्ट्रेच कर सकते हो। ऐसा कुछ हमने किया, हल्का सा और मैं डाउन की तरफ या आपकी तरफ ले सकते हैं हम लोग, ये हमने किया। अब इसके बाद मुझे कोई इसमें इफेक्ट देना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेयर वन पर जाएंगे, यहाँ से मैं दूंगी इनर शेडो। इनर शेडो मुझे कितना चाहिए देखो, ब्लेंड मोड मुझे लीनियर डोज रखना है, यहाँ पे ओपेसिटी 50 रखना है, कलर मुझे वाइट रखना है, एंगल मुझे 30 रखना है, डिस्टेंस 41 है, चौक 0 रखना है, साइज 200 रखना है, और कॉन्टोर आप यहाँ से चेंज करके देख सकते हो जो भी आपको यहाँ पे अच्छा लगे। उसके बाद मुझे जाना है ग्रेडियंट ओवरले। ग्रेडियंट ओवरले मैंने यहाँ पे लिया, मैं यहाँ पे कलर वन रखूंगी, लीनियर रखूंगी, सब कुछ गाइस हमें ऐसे जो आपके नॉर्मल जो भी आपकी प्रॉपर्टीज है वही आपको रखनी है। चाहूँ तो मैं भी मेरी प्रॉपर्टीज देख के आप लोग चेंज कर सकते हो। सिंपल मुझे यहाँ पे ओके करना है। ये देखिए मेरे को क्रिस्टलाइज वाला इफेक्ट मेरे यहाँ पे आ चुका है। लेयर वन पे जाते हैं, लेयर वन को मैं यहाँ पे कॉपी करूँगी, इक्लिप्स वाली लेयर कॉपी मैंने किया, सारे इफेक्ट मैं यहाँ पे ऑफ करूँगी, कंट्रोल टी करूँगी मैं इस पर जाकर, और हल्का सा मैं इसको स्केल डाउन, और स्केल डाउन करके मैं नीचे ऐसा कुछ। अब मुझे इसके शेडो बनाए तो शेडो के लिए मुझे यहाँ पे हल्का सा कुछ मैनेज करना पड़ेगा, कितना आपको मैनेज करना है, कैसे आपको मैनेज करना है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो गाइस। यहाँ पे ऐसा कुछ मैंने इसको रखा, अगर आपको लग रहा है कि हल्का सा और आपको स्केल करना है तो यहाँ से आप ऐसा कुछ स्केल कर सकते हो। इसके बाद हम लोग क्या करना है, यहाँ पर मैं जाती हूँ, मुझे फिल्टर पे जाना है, यहाँ पे मुझे सॉरी पहले हम लोग एंटर करेंगे, फिल्टर पे जाना है, ब्लर ब्लर गोशन ब्लर, गोशन ब्लर मैंने ऐसे लिया, गोशन ब्लर को कितना चाहिए सब, ऐसा कुछ मैं गोशन ब्लर ले लूँ, ये मैंने लिया। अगर मैं यहाँ से ओपेसिटी हल्की सी डाउन करूँ, देखिए यहाँ पे हमारा शेडो का लुक एंड फील आ गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।